हम होटल से बाहर आ चुके हैं और आज का दिन हम उदयपुर में घूमने वाले हैं। आज हमारा थर्ड डे है। एक्चुअली हम पहले दिन आए थे तो डायरेक्टली चित्तौड़ चले गए थे, देन होटल में स्टे किया, देन दूसरे दिन कुंभलगढ़ गए एज वेल एज श्रीनाथ जी गए। जिलों की नगरी उदयपुर में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रकांत आप सभी का हमारी चैनल में स्वागत करता हूं। तो बस अभी हम निकले हैं और अभी सोच रहे हैं कि पहले लेक पे चले जाते हैं और वहां पे करणी माता जी का टेंपल है, तो उस ओर चलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्ण, कैसे आप सब? कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण सबको। तो अभी जो सर्कल है वो सुखड़िया सर्कल है। हम लोग पिचोला लेक पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं, आ सकते हैं। अगर सुबह सुबह में जल्दी आए तो ही जगह मिलती है, बाद में ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है। और इनिशियली जैसे एंटर करते हैं तो ये इस तरफ से रास्ता और साइड में ही ये छोटा लेक है, और जैसे उस तरफ बैक साइड आगे चलेंगे तो वो बड़े वाले लेक तक पहुँच सकते हैं, और वहाँ पर बहुत अच्छी जगह है। ऑलरेडी हम लोग आ चुके हैं तो अच्छा लगता है आना, तो चलो आगे चलते हैं। और लगभग हम सुबह में ही आ जाते हैं तो यहाँ पे चाय और नाश्ता भी मिलता है ना, तो चाय तो पीनी पड़ेगी, तो पहले चाय पी लेते हैं उसके बाद आगे चलेंगे। चाय है ना भैया? एक चाय और कॉफ़ी हो जाएगी। तो बस ये पिचोला लेक है और बहुत अच्छी जगह है, और उदयपुर को जिलों की नगरी बोला जाता है क्योंकि मेनली यहाँ पे बड़ा पिचोला लेक, देन फतेह सागर लेक और बाहर की साइड बड़ी लेक भी है, वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। फिलहाल हम सुबह सुबह यहाँ पिचोला लेक पे चले आए हैं और यहाँ से सामने चलेंगे तो ऊपर का मंदिर है, करणी माता जी का मंदिर, तो वहाँ तक जा सकते हैं। कृष्ण गौर दिखाने क्या लिया? मैंने पक कर लिया बेल दी। और हमें बोट में बैठ के अंदर जाना है तो जा सकते हैं, उसके लिए टिकट विंडो आगे की साइड है। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ उदयपुर मेंशन किया गया है, देन लेक पिचोला के बारे में लिखा गया है, यहाँ पे बोटिंग का रेट लिखा है और स्पेशल लग्जरी बोट है तो 660 लिखा है और मोटर बोट है तो 330 लिखा है, तो उसके हिसाब से रेटिंग है। और 3 साल से बच्चा छोटा है तो चार्ज नहीं लगता, और 10 सीटर लग्जरी बोट है तो उसके लिए पर पर्सन 330 रुपीज़ है, और 30 सीटर मोटर बोट है तो 165 रुपीज़ है। तो डिफरेंट रेट है, उसके हिसाब से हम टिकट ले सकते हैं। अब हम मंदिर की ओर जा रहे हैं तो रोपवे से ऊपर जा सकते हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे समय निकला, फ़ोटो वोटो खींचा, और ये बाहर की साइड कैमल राइड भी अवेलेबल है तो कर सकते हैं। फिलहाल ऊपर चलते हैं। हम करणी माता मंदिर की ओर जा रहे थे, इन बिटवीन यहाँ पे नाश्ता अवेलेबल है, 3-4 शॉप्स है, थोड़ा बहुत नाश्ता करके ऊपर चलते हैं। कैसे? अच्छी है। बस इन लोगों ने मैगी खाई और अभी हम लोग जा रहे हैं करणी माता मंदिर। तो यहाँ से ऊपर जाना है, कहाँ तक ऊपर जाना है तो देखते हैं। बैक साइड जो लेक वाला एरिया है और कॉमन स्पेस है, और वहाँ आराम से बैठ सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास टाइम है और शांति लेना हो तो। और थोड़ा बहुत आगे आए तो करणी माता जी का मंदिर है, वहाँ तक ये रास्ता जाता है। हम लोगों ने गाड़ी पीछे पार्क कर दिया है, रीज़न वही है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो भीड़ भाड़ बढ़ती है। तो यहाँ पे रोपवे में ऊपर जाना है तो टिकट विंडो है, तो यहाँ पे पर्सनल के हिसाब से जाना हो तो जा सकते हैं, और कॉमन टिकट यहाँ पे 200 है, तो हमने टिकट लिया और अभी नीचे चलना है। रोपवे के टिकट के साथ 3D गैलरी है नीचे, तो इस एरिया में 3D पेंटिंग्स रखी गई है। ये हमारा इंडिया फर्स्ट 3D गैलरी के साथ
तो सच में अच्छी 3D आर्ट गैलरी है। और अगर हम नीचे आते हैं तो बहुत सारी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। हम लोगों को अच्छा लगा, वो रोपवे की टिकट में ही इंक्लूडेड है, तो हम लोग अभी नीचे आए, बस फ़ोटो वोटो खींच लिए। उस तरफ से एंटर होके एक ए रूम है और दूसरा ए रूम है, तो दो रूम में आर्ट गैलरी है। और बस यहाँ से एग्जिट करके हम लोग बाहर आ चुके हैं और इस तरफ से नीचे जाना है। तो अभी हम लोग रोपवे वाले स्टेशन में नीचे की ओर है, तो वहाँ पे आ चुके हैं और थोड़ी वेट करना है तो इसलिए खड़े हैं। और ये बैक साइड आपको रोपवे दिख रहा होगा। हम लोग अभी तक उदयपुर में जितनी बार आए हैं बट ये जगह छूट गई थी, तो आज जा ही रहे हैं और देखते हैं और माता जी के दर्शन करते हैं। बस हम लोग ऊपर आ चुके हैं और थोड़ा डिस्टेंस है, तो थोड़ी देर में आ चुके और यहाँ से एग्जिट होके मंदिर की ओर रास्ता बताया हुआ है। और अगर ये सीढ़ियाँ चढ़ के आना है तो यहाँ पे रास्ता भी बना हुआ है, तो हमारी मर्जी है कि कैसे आना है। तो यहाँ से जैसे जैसे ऊपर आते गए, एक लोकेशन है जहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ से पूरा उदयपुर सिटी दिखता है और सच में अमेजिंग व्यू आ रहा है। और ये बैक साइड लेक भी दिख रहा है और दूसरा फतेह सागर लेक, तो वो उस तरफ दिख रहा है, तो सच में बहुत अच्छी जगह है। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. तो रोपवे से उतरने के बाद थोड़ा बहुत चल के आना पड़ता है, थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ है चढ़नी पड़ती है, उतरनी पड़ती है और मंदिर तक पहुँच सकते हैं। तो फिलहाल ये हम मंदिर तक पहुँच गए हैं और थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ है तो वो ऊपर चढ़ के मंदिर में। मंदिर में हमने दर्शन किए, माता जी का बहुत अच्छा स्वरूप विराजमान है, बहुत अच्छा लगा। और बस यहाँ पे एक कैंपस है तो अगर टाइम निकालना है तो निकाल सकते हैं। और कृष्ण और रेखा थक चुके तो थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो जहाँ पे नीचे जाना है उस ओर आते हैं तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, बहुत कुछ मिल रहा है, नाश्ता खाना पीना। और यहाँ पे ही रिटर्न के लिए नंबर लगवाना पड़ता है, तो बस मैंने नंबर लगवा लिया और अभी नीचे जा रही है। क्या करो बेटा? हाथ पकड़ो। क्यों हाथ पकड़ो? डर लग रहा है? तुझे कहाँ से डर लगने लगा? तो बस हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं। ऊपर आते हैं तो मेनली हम आसपास का लुक उठा सकते हैं और ऊपर से आसपास उदयपुर सिटी एज वेल एज लेक्स, तो बहुत कुछ दिखाई देता है और बहुत अच्छा व्यू आता है। तो सचमुच हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो सुबह से हम होटल से निकले, देन डायरेक्टली लेक पे आए, यानी पिचोला लेक पे आए और उसके बाद करणी माता जी के मंदिर पे गए। तो इस वीडियो का यहाँ पे ही एंड करता हूँ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद भी बहुत कुछ घूमने के लिए है उदयपुर में, तो हम लगभग जगदीश टेम्पल जाने वाले हैं, उसके बाद सिटी पैलेस जाने वाले हैं और सज्जनगढ़ फोर्ट भी जाना है। तो ये सारे वीडियो आपको बाद वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा। टिल देन स्टे सेफ एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।